बैठे गए। इसी तरह दूसरी कहानी दर्शाती है कि बड़ा वाला जो मकबरा है ये किसी मालकिन का है, जो कि दादी का मकबरा है, और जो पोती का मकबरा है वो किसी सेवा करने वाली लड़की का है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जिशान जो घुमा रहा है आपको हिंदुस्तान की शान दिल्ली मेरी जान। उम्मीद करता है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज मैं आपको लेके आ गया हूँ दिल्ली के एक और हिस्टोरिकल प्लेस में, जिसका नाम है दादी पोती का मकबरा, और ये मौजूद है दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना दिल्ली के अंदर मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो चलते हैं इसके अंदर और जानते हैं इसके बारे में। दिल्ली अपने आप में शहरों का शहर है। मकबरे, बावली और किलों से ये पूरा घिरा हुआ है। ये शहर कई राज अपने अंदर समेटे हुए है। अगर आप दिल्ली में घूमे होंगे तो आप हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद या हौस खास जैसी जगह पे आप घूमे होंगे। इस जगह शायद आप नहीं आए होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ दादी पोती के मकबरे में, और आज बताने वाला हूँ मैं आपको इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। दिल्ली में कई ऐसी खूबसूरत जगह हैं जो गुमनामी का शिकार हैं। दोस्तों, ये एकदम पक्का नहीं है कि ये कब्रें वाकई में दादी पोती की हैं। वास्तव में यहाँ कौन दफन है अभी भी ये एक रहस्य है। इसका नाम ये बड़ी और छोटी इमारत की वजह से दिया गया था, दादी पोती का मकबरा। दादी पोती का मकबरा अलग अलग दौर में बनाए गए थे। एक जो मकबरा है लोदी वक्त में बनाया गया था, लोदियों के शासनकाल में 1451 से 1526 के बीच, और दूसरा तुगलक वंश में 1321 से 1414 ईस्वी के बीच बनाया गया था। दादी पोती के मकबरे में बड़ा जो मकबरा है वो दादी का है, और ये मकबरा पूरे हौस खास ग्रीन पार्क में सबसे खूबसूरत मकबरा है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और आप भी ये देख सकते हैं कि मेहराबों पर खूबसूरती से आयतें लिखी हुई हैं, कलमे लिख रखे हैं और सारी मेहराबें तराश रखी हैं। ये तकरीबन 2 मंजिल का है और काफ़ी बड़ा एक कमरा है जिसके अंदर 6 कब्रें हैं, और ये कब्रें जो हैं पत्थर की बनी हुई हैं, संगमरमर का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। कहते हैं कि दादी का मकबरा जो है पोती के मकबरे से पहले बनाया गया था। ये बात मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से, मतलब ये दादी के मकबरे से पहले पोती का मकबरा बनाया गया। और आप देखें, ये ऊपर जाने का रास्ता है जिसमें अब ताला लगा दिया है, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते हैं, ये बंद कर दिया है क्योंकि इसकी हालत बहुत नाजुक होने को है। अभी कुछ भी टूट के गिर सकता है या किसी भी वजह से इन्होंने ये बंद कर रखा हो, इसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता, मगर ऊपर जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अभी आपको और बातें इसकी बता देता हूँ कुछ। ज़्यादा अच्छा मटेरियल इसमें नहीं लगाया गया था, मगर फिर भी आज भी ये मोनूमेंट बहुत ही खूबसूरत हालत में दिखता है। आप देखें खूबसूरती से, गुंबद पे ये कुरान शरीफ की आयतें तराश रखी हैं, आयतें लिखी हुई हैं इस पे। ये मकबरा लोदी वक्त में बना था। 3 दरवाजे हैं इसमें, जिसमें से 2 दरवाजे बंद हैं, 1 दरवाज़ा खुला है। अभी हम चलते हैं पोती के मकबरे की तरफ। तकरीबन 20 फुट दूर चलने के बाद पोती का मकबरा है, और इस मकबरे की दिखावट लोधियों के मकबरे की तरह है। इस मकबरे को 1321 से लेकर 1414 ईस्वी के बीच में बनाया गया था, और इस मकबरे की ख़ास बात यह है कि ये लालटेन जैसा दिखता है। इस मकबरे के अंदर 4 कब्रें हैं, 1 बड़ी कब्र है और उसके साथ 3 छोटी कब्रें भी हैं। इन पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है जिससे कि ये पहचाना जा सके कि ये किसकी कब्र है। अभी ऊपर चल के मैं आपको इसके आसपास की खूबसूरती दिखाता हूँ।
और इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ यहाँ आती थी और जब उनकी मौत हुई तो उनके मकबरे यहाँ बनवाए गए। इसी तरह दूसरी कहानी दर्शाती है कि बड़ा वाला जो मकबरा है ये किसी मालकिन का है जो कि दादी का मकबरा है, और जो पोती का मकबरा है वो किसी सेवा करने वाली लड़की का है। जिस मकबरे पे मैं हूँ ये पोती का मकबरा है। दिल्ली के अंदर बने ये 650 साल पुराने मॉन्यूमेंट, जिनकी देखभाल आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ आज भी मेंटेन करके उन्होंने इसको रख रखा है। ये ग्रीन पार्क हाउस खास के पास है, इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है ग्रीन पार्क है, वहाँ से 15 मिनट पैदल चल के भी आप यहाँ आ सकते हैं। इन मकबरों की खूबसूरती रातों में डबल हो जाती है, दिल्ली सरकार ने इन्हें मॉडिफाई कर रखा है, रातों में ये चमकते हैं काफ़ी। और मैं बता दूं दोस्तों, ये इतने पतले जीने पहले ज़माने में बनाए जाते थे, वो इस वजह से कि एक साथ लोग ऊपर ना आ सकें हमला करने। इस तरह से आपने कई किलों में और महलों में देखे होंगे इतने पतले पतले जीने। और इन मकबरों के आसपास जो है बगीचे बने हुए हैं और ये काफ़ी कम भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो दोस्तों आज का ये था मेरा व्लॉग, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कौन से हिस्टोरिकल प्लेस पे मुझे दिल्ली के अंदर जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का।